आखिरकार लंबे इंतजार के बाद गैलेक्सी C9 Pro को ऑफिशियल ओरियो अपडेट मिल ही गया। सब्सक्राइब कीजिए टेक मास्टर मुंशी YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। सैमसंग ने बहुत इंतजार करवाया इस अपडेट के लिए, कई बार नाराज किया और गुस्सा भी दिलाया, लेकिन चूंकि अब अपडेट मिल गया है तो पिछली सारी बातें भुलाकर सैमसंग को एक बार दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ ही जानेंगे उन नए फीचर्स के बारे में जो हमें इस अपडेट के जरिए मिले हैं। इसके अलावा उन चेंजेज के बारे में भी बात करेंगे जो इस अपडेट के बाद हमें C9 Pro में देखने को मिल रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आप देख रहे हैं टेक मास्टर मुंशी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। यो, टेक मास्टर मुंशी। तो जहां तक मैं समझता हूं, आप में से करीब करीब लोगों ने इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया होगा। अब आप कहेंगे कि भाई करीब करीब क्या होता है, सबने इंस्टॉल कर लिया है, अपडेट को इंस्टॉल करना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। चलो मान लिया, लेकिन ज़रा रुकिए और ये कमेंट पढ़िए। शायद आपको ये कमेंट पढ़कर हंसी आ रही होगी और पता नहीं आप नितेश भाई के बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़कर बिल्कुल भी हंसी नहीं आती और ना ही हैरानी होती है, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते रहते हैं और मेरे आसपास न जाने कितने नितेश भाई जैसे लोग रहते हैं। खैर, जिन लोगों ने अभी तक अपडेट को इंस्टॉल नहीं किया है वो मेरा ये वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने अपडेट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेसिंग समझाई है। तो पहले आप जाकर ये वीडियो देखिए, उसके बाद अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 8.0 ओरियो से अपडेट कीजिए और उसके बाद आकर ये वीडियो देखिए, तब आपके ये समझ में आएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैलेक्सी C9 Pro के नए फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस अपडेट में काफ़ी सारे नए फीचर्स मिले हैं और उन सारे फीचर्स की एक लंबी सी लिस्ट है मेरे पास। इसके अलावा इस अपडेट के बाद C9 Pro में कुछ बग्स भी देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इसे दो भागों में रिलीज करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चेंजेज के बारे में जो इस अपडेट के बाद हमें देखने को मिले हैं। तो नंबर एक है सर्च बार इन मेन्यू, यानी कि मेन्यू में ऊपर जो सर्च बार है वो टोटली चेंज हो गया है और अब जो नया सर्च बार है उसका डिज़ाइन स्टॉक एंड्रॉयड जैसा हो गया है। अपडेट के पहले और बाद का अंतर आप इन स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं। नंबर दो है सेटिंग्स मेन्यू। दूसरा जो चेंज किया गया है वो है फ़ोन की सेटिंग्स मेन्यू में। अपडेट के बाद सेटिंग्स मेन्यू में सबसे ऊपर ही ऊपर एक सर्च बार आ गया है और उसके बगल में है एक प्रोफाइल आइकन। ये बेसिकली आपका सैमसंग अकाउंट है, यानी कि अब आप अपने सैमसंग अकाउंट को डायरेक्ट यहीं से मैनेज कर सकते हैं, जबकि अपडेट से पहले यहाँ न तो सर्च बार था और ना ही प्रोफाइल आइकन। अपडेट से पहले और बाद का अंतर आप इन स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं। नंबर तीन है APK इंस्टॉलेशन एनिमेशन। पहले जब आप कोई APK फाइल इंस्टॉल करते थे तो स्क्रीन पर ऐसा एनिमेशन दिखाई देता था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब आप कोई भी APK फाइल इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा, यानी कि एनिमेशन का स्टाइल है वो बदलकर स्टॉक एंड्रॉयड जैसा कर दिया गया है। उसके बाद नंबर चार है गैलरी। गैलरी में भी आपको एक छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा। इस अपडेट के बाद गैलरी में शेयर्ड नाम का एक नया सेक्शन जुड़ गया है, जबकि अपडेट से पहले पिक्चर्स, एल्बम्स और स्टोरेज ये तीन ही सेक्शन थे और ये अंतर आप इन स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं। नंबर पाँच है अबाउट फोन। भैया, अबाउट फोन सेक्शन तो पूरी तरह बदल गया है, मतलब पहचानने में ही नहीं आ रहा। पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट की फॉर्म में हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ एक टेबल ऐड कर दी गई है जिसमें फ़ोन नंबर, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और IMEI नंबर जैसी सारी इन्फॉर्मेशन है और उसके नीचे वही पुराने ऑप्शंस हैं सारे। उसके बाद नंबर छः है सेटिंग्स मेन्यू ऑप्शंस, यानी कि फ़ोन की सेटिंग्स मेन्यू में जो ऑप्शंस हैं उनमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। पहले लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी एक ही ऑप्शन था, मगर अब लॉक स्क्रीन को अलग कर दिया गया है और सिक्योरिटी को बायोमेट्रिक के साथ जोड़कर बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी नाम से एक नया ऑप्शन बना दिया गया है, लेकिन इनके अंदर ऑप्शन सारे वही है जो पहले थे। हाँ, बायोमेट्रिक में एक नया इम्प्रूवमेंट किया गया है जो मैं आगे चल के बताऊंगा जब इसका जिक्र आएगा।
इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे चेंजेज हैं जो खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इन सब के बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम सीधे नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो नंबर एक है सैमसंग एक्सपीरियंस 9.0। दोस्तों सैमसंग एक्सपीरियंस सैमसंग का कस्टम यूआई है और इसके 9.0 वर्जन के साथ बहुत सारे नए फीचर्स मिले हैं जिन पर अलग से एक 10-12 मिनट की वीडियो बन सकती है। इसलिए मैं यहाँ इसके सारे फीचर्स के बारे में नहीं बता पाऊँगा, वरना वीडियो सारी इसी में निकल जाएगी। और इस वीडियो का मेन मकसद जो कि है एंड्रॉयड 8.0 ओरियो के नए फीचर्स के बारे में बात करना, वो कहीं पीछे छूट जाएगा, तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। नंबर दो है कॉल रिकॉर्डिंग। अभी तक हम कॉल रिकॉर्डिंग के लिए किसी न किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर अब ये फीचर इनबिल्ट दे दिया गया है, इसलिए हमें किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको ऑटो कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो हर कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी, और अगर आप हर कॉल को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो आप मैन्युअली का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके लिए जब आप किसी को कॉल करें या कोई आपको कॉल करे तो कॉल रिसीव करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट्स पर टैप करना होगा और रिकॉर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जिसे आप नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अब आपको कुछ नए क्लॉक स्टाइल और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, और इनको यूज करने के लिए आपको जाना होगा फ़ोन की सेटिंग्स में, उसके बाद लॉक स्क्रीन में, और यहाँ जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है इसको ऑन करना होगा। उसके बाद नीचे जाकर क्लॉक स्टाइल पर टैप करना होगा। यहाँ आपको 2 टैब्स दिखाई देंगी। पहली है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिसमें क्लॉक स्टाइल्स हैं। आप इनमें से अपना मनपसंद क्लॉक स्टाइल चुन सकते हैं, साथ ही कलर में जाकर क्लॉक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी टैब है लॉक स्क्रीन, जिसमें आपको लॉक स्क्रीन के लिए अलग अलग क्लॉक स्टाइल वाले वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, और यहाँ भी आप कलर्स में जाकर इनका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है नोटिफिकेशन डॉट्स। ये एंड्रॉयड ओरियो का नया फीचर है और इसकी मदद से आप किसी भी ऐप के आइकन पर लॉन्ग प्रेस करके उसके सारे नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, और साथ ही कोई टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मैसेज के आइकन पर लॉन्ग प्रेस किया तो मुझे यहाँ इसके सारे नोटिफिकेशंस और हाल ही में यूज किए गए ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बिना ऐप को ओपन किए मैं सीधे यहीं से क्रिएट मैसेज पर टैप करके मैसेज टाइप कर सकता हूँ। हालांकि सभी ऐप्स इस फीचर को सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद नंबर 5 है ऐप आइकन बेजेज। ये भी एक नया फीचर है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इसमें क्या होता है कि अगर एक ऐप के 10 नोटिफिकेशंस आए हुए हैं और हम नोटिफिकेशन पैनल में जाकर उसका एक भी नोटिफिकेशन क्लियर कर देंगे तो उसके सारे नोटिफिकेशंस क्लियर हो जाएंगे, और उस ऐप पर आपको लाल घेरे में नोटिफिकेशंस की संख्या भी नहीं दिखेगी। यानी कि अगर आप एक जगह से किसी ऐप का नोटिफिकेशन क्लियर कर देंगे तो वो सभी जगह से क्लियर हो जाएगा, जबकि पहले ये होता था कि हम नोटिफिकेशन पैनल से सारे नोटिफिकेशंस को क्लियर कर देते थे तब भी ऐप पर नोटिफिकेशंस की संख्या शो होती थी, और जब तक हम उस ऐप को ओपन करके सारे नोटिफिकेशंस को 1 by 1 पढ़ ना लेते थे तब तक उनकी संख्या नहीं हटती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। फेसबुक और मैसेंजर जैसी ऐप्स जिनमें 0 नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी एक नोटिफिकेशन हमेशा शो होता था, उससे अब पीछा छूट गया है, और इसीलिए ये फीचर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फीचर सबको पसंद आए। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये फीचर पसंद ना आए, और अगर ऐसा है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 है कलर पिकर फॉर फोल्डर्स। दोस्तों ये सैमसंग एक्सपीरियंस 9.0 का फीचर है और इसका काम है फोल्डर्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना। यहाँ मैं आपके फाइल मैनेजर में जो MP3 सॉन्ग्स, HD वीडियोज और वॉलपेपर वाले फोल्डर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ इन फोल्डर्स की, यानी कि ऐप्स के फोल्डर्स। जब आप किसी फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको फोल्डर नेम के सामने एक डॉट दिखाई देगा, और जब आप इस डॉट पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ कई सारे कलर्स दिखेंगे। आप इनमें से अपना मनपसंद कलर चुन सकते हैं, लेकिन अगर इनमें आपकी पसंद का कलर नहीं है तो यहाँ से आप अपना खुद का कलर चुन सकते हैं। जैसे कि मैं रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये देखिए फोल्डर का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप फोल्डर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं।
नंबर 7 है सैमसंग कीबोर्ड। सैमसंग कीबोर्ड में भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको कीबोर्ड के ऊपर एक पट्टी में कीबोर्ड टूल बार देखने को मिलेगी, जिसमें इमोजी, स्टिकर्स, जिप, माइक्रोफोन और सेटिंग जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस टूल बार के ऑप्शंस को आप ज़रूरत के हिसाब से लॉन्ग प्रेस करके इधर उधर ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में आपको 70 नए इमोजी और कुछ नए स्टिकर्स भी देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जिप्पी को कीबोर्ड में इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे कि आप किसी को भी डायरेक्ट यहीं से जिप फाइल सेंड कर सकते हैं। अगले भाग में हम एंड्रॉयड 8.0 ओरियो के बाकी फीचर्स, कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स जो इस अपडेट में फिक्स नहीं हुई, कुछ ऐसे फीचर्स जो इस अपडेट से गायब हैं, नए बग्स, बैटरी बैकअप, डिवाइस की परफॉर्मेंस, कैमरा और फास्ट चार्जिंग जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो देखना न भूले इस वीडियो का पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मन में कोई बात हो तो नीचे जाकर कमेंट कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इस चैनल पर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये जो ऊपर राइट कॉर्नर में आई का बटन है, इसको ओपन करके देखा करो यार। यहाँ आपको हमेशा टॉप 5 वीडियोज मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।